हेलो एवरीवन, आज हम आप सभी को बताएंगे कि आप कौन सा अंडा खाते हैं, फिर अंडों में क्या मिलता है। ठीक है, जैसे कि अंडों में क्या क्या मिलता है। एक अंडे में प्रोटीन होती है, नायसिन, विटामिन B3, राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक और सल्फर होता है। अंडे की जर्दी जो होती है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई होते हैं। इसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कोलिन, ल्यूटीन, आयरन, कैल्शियम, कॉपर और फॉस्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जैसे कि देसी और पोल्ट्री अंडे में एक जैसे न्यूट्रिएंट्स, बिना फिजिकल एक्टिविटी के दो अंडों से ज़्यादा खाना खतरनाक, हार्ट को हो सकता है नुकसान। तो जैसे कि आप देखते हो सर्दियों में ठेला पर अंडे की दुकान सजी नज़र आती है। दो तरह के अंडे मिलते हैं, ब्राउन और वाइट, जिन्हें हम देसी और पोल्ट्री फॉर्म के अंडे कहते हैं। आज की स्टोरी में हम बताएंगे कौन से अंडे हमें खाने चाहिए, देसी या पोल्ट्री वाले दूसरे। यह भी जानेंगे कि हर दिन कितने अंडे खाना चाहिए। मेडिकल अस्पताल की न्यूट्रिशन डॉक्टर विजय श्री प्रसाद बताती है कि पोल्ट्री वाले अंडों की तुलना में देसी अंडे कम ही मिलते हैं। देसी अंडे देखने में ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि पोल्ट्री फॉर्म के अंडे सफ़ेद होते हैं। अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो दोनों तरह के अंडों में कोई खास अंतर नहीं होता, दोनों में एक जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साइज में छोटे या बड़े अंडे की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन की मात्रा में थोड़ा अंतर पड़ता है। बड़े साइज का एक अंडा खाने से 90 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिलती है, जबकि मीडियम साइज के अंडे में से 60 कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है। दूसरी बात यह है कि किन अंडों में प्रोटीन, विटामिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम या दूसरे न्यूट्रिएंट्स कितने होंगे, यह इस बात पर भी निर्भर करता है मुर्गियों को क्या खिलाया जाता है। जैसे कई पोल्ट्री फॉर्म वाले जबकि देसी अंडों में ज़्यादा विटामिन डी। अंडों को लेकर क्या मित है, सड़े हुए अंडों से हमेशा बदबू आती है। अगर सही टेम्परेचर पर अंडे को नहीं रखेंगे तो आएगी।